हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू नेक्स्ट व्लॉग। तो टाइम हो रहा सुबह के 7 एंड जल्दी इसलिए उठा हूँ क्योंकि मैंने, जिसने व्लॉग नहीं देखा उसको ही बता दूँ, मैंने जाना है अबू धाबी। तो फाइनली रेडी हो चुका हूँ ब्रेकफास्ट के लिए एंड जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। जैकेट मैंने सोचा आके पहन तो नीचे तक ही जाना है, तो होटल में ब्रेकफास्ट है आज भी, तो देखते हैं क्या बना खाने का। कुछ अच्छा बना हुआ तो खाएंगे, बाकी तो आता हूँ फिर एंड फिर जैकेट पहनूंगा, फिर निकलेंगे अबू धाबी के लिए। अबू धाबी का रास्ता यहाँ से 125 घंटे का है, 150 किलोमीटर दूर है, बट यहाँ का जो हाईवे है या जो भी है बहुत स्पीड से चलती हैं गाड़ियाँ, भैया बता रहे 140-150 आराम से चलती हैं, तो ये भी एक्सपीरियंस लेंगे। बाकी फरारी वर्ल्ड के मैंने ब्लॉग्स काफ़ी देखे रात को, इतनी बढ़िया राइड्स हैं वहाँ की, इतनी बढ़िया राइड्स हैं, मतलब मैं देख के एकदम ऐसे हो गया, मैंने कहा यार कि मज़ा आ गया भाई, जाना ही जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब जाना तो है, लेकिन ये ना हो कि मैं जाऊं और भीड़ बहुत ज़्यादा है, राइड्स वगैरह जो हैं, क्योंकि उतना जो वहाँ पर भैया बता रहे हैं 3 मेजर राइड्स हैं, और एक तो है जिसमें 240 किलोमीटर की स्पीड पे एकदम रोलर कोस्टर चलता है, तो भाई अलग लेवल राइड्स हैं। बस ये ना हो भीड़ बहुत ज़्यादा हो और मैं वो राइड ले ना पाऊँ, तो मैं तो इसके लिए जा रहा हूँ, मतलब बस क्या बताऊँ, मैं एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, बस ये ना हो कि राइड्स ना हो पाएँ। तो अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने एंड फिर आपको दिखाते हैं अबू धाबी, चलते हैं। तो ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने एंड ब्रेकफास्ट सही सही था, खा लिया जो था, अब आपने देख ही लिया, कमी चीज़ें थी मेरे लिए तो मैंने खा लिया एंड आपको दिखा दूँ। यहाँ पे इस होटल में हर फ्लोर पे एक या दो मशीन तो है ही है, ये देखो ये है कोका कोला 5 दिरहम की, लगभग 100 रुपये की, 100-110 जो भी है। पानी यहाँ मैंने सुना था बहुत महंगा है, पानी कितने का है ये 3 दिरहम का, मतलब 60-70 रुपये का, महंगा तो है यार। ये बोतल मिलेगी आपको पानी की, चलो चलते हैं। तो फाइनली रेडी हो चुका हूँ मैं अबू धाबी के लिए एंड आप देख सकते हो ये है मेरा आज का आउटफिट। तो जैकेट मैंने इसलिए पहनी हुई है क्योंकि ये जो मैं वहाँ से लेके आया हूँ इंडिया से, सारी पतली जैकेट्स हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं शर्ट्स के उसमें, तो वैसी हैं बिल्कुल, तो इसलिए मैं ले आया एंड मैंने कहा चलो यार थोड़ा अच्छा भी लगता बाहर आए हैं तो बस एक ये है टर्टल नेक एंड टर्टल नेक तो मैं 2-3 लेके आया था, मैंने कहा ये सब आउटफिट्स क्या टर्टल नेक ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो मैंने कहा यार तो यही ले जाता हूँ मैं। तो यहाँ के गाड़ी का सिस्टम बहुत बढ़िया है, ये देखो एक बार बस, एक बार खुल गया गेट, एक बार ये दबाया अपने आप बंद हो गए, ये बहुत बड़े जगह, और खोलना हो तो भी ऐसे ही है, ये देखो ये मैंने किया ये अपने आप खुलता। तो ये हमारा पहला स्टॉप था, यहाँ हम एक ऐसी जगह पे आए थे जहाँ पे मंदिर के अंदर ही गुरुद्वारा था एंड यहाँ पे चर्च भी था, तो बहुत ही एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ लगी। ये देखो ये रहा चर्च एंड ये देखो यहाँ पे ये बिल्कुल ये हिंदू मंदिर है एंड इसके अंदर ही गुरुद्वारा है। तो ये तो इसके बाद हम आए यहाँ पर इस जगह पर जिसका नाम है एग्जिट वर्ल्ड। उसका रीज़न ये है कि अगर आने वाले कल में कभी World War III होता है तो उन्होंने एक इमरजेंसी के लिए एक जगह बनाई हुई अपने लिए, जो भी जैसे टायर हो गए बिल्कुल ही ख़राब टायर, ख़राब गाड़ियाँ, मतलब उन चीज़ों से बनाया हुआ है, बहुत ये देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है ये एंड मतलब इतने कम कम स्पेस में, मतलब जो भी होता है ना ज़रूरत की चीज़ें हैं उस हिसाब से सब कुछ बनाया हुआ है, खाने का हो, वॉशरूम हो, सब कुछ बनाया हुआ है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मेरे को। ये देखो स्मार्ट पुलिस स्टेशन, मतलब हम इसमें भी पुलिस स्टेशन बना लेंगे अगर कुछ भी नहीं बचा तो, मतलब उनका थिंग देखें अंदर, देखो और डेवलपमेंट चल रही है अंदर, चालू इसमें काम। तो ये है फरारी वर्ल्ड एंड अभी तो थोड़ी कम पब्लिक लग रही है, राइड्स का कहाँ पे देखना पड़ेगा, देखते हैं। ये है यहाँ का इंफॉर्मेशन का ये बोर्ड, शॉपिंग, डाइनिंग, वेलकम प्लाजा, सर्विसेज।
एंट्री कर ली है मैंने फरारी वर्ल्ड में एंड यहाँ पे काफी राइड्स हैं। सबसे पहले मैं वहीं जा रहा हूँ जिसमें स्पीड होगी 240 किलोमीटर पर आवर। इसमें फ़ोन भी रखवा ही लेते हैं जहाँ तक मैंने सुना है एंड बताया है भैया ने मुझे। तो ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ द वर्ल्ड फास्टेस्ट कोस्टर। तो सबसे ज़्यादा यहीं जाना, प्रायोरिटी यहीं है सबसे ज़्यादा। तो चलते हैं पहले। तो ये रहा बोर्ड फॉर्मूला रोसा द वर्ल्ड फास्टेस्ट कोस्टर। ये देखो यार जगह हो तो ऐसी। ये देखो ये सामने ग्लिम्स भी देख लो आप। ये देखो तो ये है ग्लिम्स इस राइड का, बहुत मज़ा आने वाला है। अब चलते हैं फटाफट, देखते हैं क्या है, कितनी भीड़ है कितनी नहीं है, क्योंकि अब इसके लिए भीड़ तो होगी ही होगी। बाकी देखते हैं। तो फाइनली पहली राइड हो चुकी है रोलर कोस्टर में। इतना ज़्यादा मज़ा आया, इतना ज़्यादा मज़ा आया, मतलब कहाँ इतनी कुछ सेकंड में ही 240 की स्पीड में पहुँच गए एंड ऐसे धड़ 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 ऐसे पूरा होता रहा, मज़ा आ गया। मतलब इतनी अच्छी राइड थी शुरुआत की, उसमें उन्होंने 3 सेकंड के रोकी गाड़ी एंड फिर एकदम ऐसे स्पीड पकड़ी, इतना तगड़ा पिकअप, मज़ा आ गया। सब चला रहे थे उसमें और उसमें यही बोलते हैं कि सर ऐसे रखो हमेशा ताकि इंजरी वगैरह ना हो। तो बहुत अच्छा, मतलब जो फीलिंग थी ना वो ऐसी फीलिंग थी जो वर्ड्स से कभी बता नहीं सकता मैं। बहुत अच्छी फीलिंग थी, मज़ा आ गया। बाकी अभी और भी राइड्स हैं तो वो भी कवर करनी है, तो चलते हैं अगली राइड पे। क्या ही बोलूं, मुझे लग रहा था दूसरी राइड है, कहाँ बैठ गया। उसने ऐसे बेल्ट पहनाई, वो बेल्ट कह रहा हूँ जो होता है सेफ्टी के लिए, मेरे को लगा शायद इसमें कुछ ऐसा होगा कम स्पीड होगी, लेकिन स्पीड होगी ये तो बच्चों वाला था। बट चलो कोई बात नहीं, अगली राइड में देखते हैं क्या है। तो इसके बाद था फरारी वर्ल्ड सिमुलेटर कि आप फरारी में अगर बैठते तो आप कैसी फील होंगी। जैसे होता है ना एक थिएटर होता है उसमें 70 टाइप है, सीट ऊपर नीचे होगी, स्पीड बढ़ेगी। यहाँ थोड़ी वेटिंग भी 10-15 मिनट की, फिर अंदर हमें 5 मिनट की मूवी दिखाई, पूरी हिस्ट्री दिखाई फरारी की एंड फिर हमें अंदर ले गए सिनेमा में। ये देखो ये सिनेमा है एंड यहाँ पर हमें बिठा दिया। ये भी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था ये भी। जो रोलर कोस्टर का मज़ा था ना वो कोई मतलब मैच ही नहीं है। वो मतलब ठीक है, अच्छा लगा, एक्सपीरियंस हो गया अच्छा लगा, बट उसका एक्सपीरियंस अलग लेवल था। तो अब देखते हैं अगली राइड क्या है। अपने मतलब कि ये तो वही सेम रोलर कोस्टर है लेकिन बच्चों के लिए पीछे जो है, तो देखते हैं अपने मतलब क्या है, चलते हैं फिर कुछ। ये देखो ये है बढ़िया राइड भाई। ओ भाई साहब ये है टर्बो ट्रैक, इस पे चलते हैं नेक्स्ट। ये रहा। तो ये राइड भी हो गई, बहुत अच्छी थी ये भी राइड। छोटी राइड थी लेकिन बहुत अच्छी थी, मतलब पिछले वजह से काफ़ी बेटर थी जो एस्टिमेटर था। ये देखो पीछे अभी भी हो रही है, मतलब कहाँ एकदम ऐसे ऊपर तक चले जाते हैं एंड ट्रैक वहाँ पे, मतलब मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये ऊपर तक जाती है स्पीड में एंड पूरे आधा ना ये हवा में चली जाती है और वापस नीचे आती है, मतलब बिल्कुल ना जीरो ग्रेविटी वैसे हिसाब होता है। मतलब ऊपर कोई ट्रैक नहीं देख सकते हो आप और वो आधा जो इसका ये ना ट्रैक है ये ख़त्म हो जाता है इसके बाद और झूला आगे चला जाता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये देखो एडवेंचर सीकर्स के लिए ये 3 राइड्स हैं, इसमें स्पेशल लिखा हुआ है। फॉर्मूला रोसा जो मैं कर चुका, इंटरबो ट्रैक कर चुका, फ्लाइंग एसिस है, ये रहा मेरे बिल्कुल सामने, यहीं पर जा रहा हूँ मैं नेक्स्ट। बाकी फॉर द होल फैमिली ये तो चलो सेकेंडरी है कि मन है तो करो वरना कोई बात नहीं। तो जस्ट अभी राइड ख़त्म हुई है फ्लाइंग एसिस की एंड एक बात बोलना चाहूँगा मैं, जितनी राइड थी ना सब फेल हो गई। मतलब ये तो इतनी भयंकर राइड थी, इतनी भयंकर राइड, वो पूरा ऊपर तक जाता है और बीच रास्ते में इतनी स्पीड में ऐसे से घूम रहा है और हम वहाँ बैठे हुए हैं।
मतलब मेरे ख्याल से इस राइड में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो शोर नहीं करेगा। मतलब जो पहली राइड थी ना वो भी फेल हो गई, जो 240 किलोमीटर थी, कुछ भी नहीं थी वो तो। अब नॉर्मल गाड़ी जो बंदा चलाता है 100-150 तो वैसे चला लेता है, तो 240 के लिए क्या ही है। लेकिन ये तो भाई पता नहीं इसकी स्पीड क्या थी, लेकिन इतनी ज़्यादा तगड़ी थी ये, बेस्ट। तो यहाँ पे एक रूफ वॉक भी है, ये जो पूरा ये फरारी वर्ल्ड बना ना, इसके ऊपर एक फरारी का लोगो है, बहुत बड़ा लोगो, तो उस पर आप वॉक भी कर सकते हो, लेकिन इस टाइम बंद है। तो मैंने भी यहाँ पूछा तो वो पीछे आपको दिख रहा हो, वैसे नहीं दिखा कोई बात नहीं, अब यूट्यूब पे देख लेना आप बाकी। एंड ये ऑपरेशन तो है नहीं अभी, तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो मेरे ख्याल से मैं जो मेन यहाँ पे चीज़ें थी कवर कर चुका हूँ। ये एक और राइड देखी है, अच्छा तो वहीं दोबारा आ गया हूँ शायद बच्चों होने में। और ये तो यार अपने एडवेंचर आइलैंड में ही है, रोहिणी में, ये ऊपर नीचे होते रहता है। चलो कुछ और देखते हैं। तो काफ़ी देर से देखा मैंने एंड यहाँ पे और कुछ नहीं बचा। जो मेन एक्टिविटीज़ थी जो मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए जो एडवेंचर सीक कर रहे हैं वो हो चुकी एक्टिविटीज़, तो मैंने भैया को कॉल कर दिया। मैंने कहा भैया आप 15-20 मिनट में आ जाओ, मैं कुछ खाऊंगा एंड फिर निकलते हैं यहाँ से। तो ये है फरारी स्टोर यहाँ पे, वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा यहाँ पे, बट फिर भी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो अच्छा हुआ मैं बहुत जल्दी आ गया था, ये देखो हर तरफ अब आधे आधे घंटे की वेटिंग हुई, जब मैं आया था सिर्फ 5-5 मिनट की वेटिंग थी, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट हो गया जल्दी आने का। तो ये है पहला सिटी टूर का पॉइंट अबू धाबी का हेरिटेज विलेज। यहाँ पे व्यू काफ़ी देख सकते हो, बहुत सारा बिल्डिंग्स का, एंड यहाँ पे सब फ़ोटो शूट ही करवा रहे हैं। और बाकी यही ऐसे ही थोड़ा आसपास घूमने वाला पॉइंट है। तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद पर। तो अभी यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पहले मैं रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो बस अब यहाँ से अब एंट्री देख रहा हूँ। यहाँ पे देखो पीछे लाइन लगी हुई है, तो बस अब यहाँ से एंट्री करूँगा एंड फिर चलेंगे अंदर मस्जिद में। बहुत ज़्यादा बड़ी मस्जिद है, बहुत ज़्यादा बड़ी मस्जिद, एंड ऊपर गोल्ड प्लेटेड कुछ पानी चढ़ा हुआ है वहाँ पर। तो अंदर से एक्सप्लोर करते हैं क्या है क्या नहीं है। एंड मैंने जैकेट जो साथ में एक लड़की थी उसने टी शर्ट पहनी हुई थी, तो फिर उसको अलाउड नहीं है ऐसे मस्जिद में लड़कियों कैसे हाफ टी शर्ट वगैरह में। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी जैकेट ले लो तो आपकी भी एंट्री हो जाएगी। तो उनकी भी एंट्री अब ऐसे हो जाएगी, बढ़िया है, वरना फिर होता है बंदा इतनी दूर से आया है मिस कर देगा, फ़ायदा क्या फिर उसका। चलो करते हैं एंट्री। तो जाए मॉस्क की एंट्री है ना, उसके वहीं पे आपको एक फूड कोर्ट मिल जाएगा। मैं आ गया मैकडोनल्ड्स, मैंने यहाँ पे एक मील ली, नॉन वेज इतनी ज़्यादा थी यहाँ पे, बट वेज में सिर्फ एक ही चीज़ थी तो मैंने ले ली। तो इसके बाद हम वापस चले गए अबू धाबी से दुबई की तरफ, क्योंकि फिर थोड़ा लेट भी हो गए थे, फिर हमने कहा चलो यार जाना भी है वापस दुबई, तो फिर हम चलते हैं। तो टाइम हो गया रात के 9 एंड जस्ट अभी वापस आया हूँ होटल। मतलब कहाँ सुबह से निकला हुआ था, सुबह 9:30 बजे निकल गया था एंड अब 9 बज रहे हैं, लगभग 12 घंटे बाहर था। एंड मेरे ख्याल से मतलब आज की जो हाईलाइट थी ना वो 3 राइड्स थी, वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। मतलब जो मैं देखता था ना शुरू से कि यार थोड़ी डेंजरस राइड हो, थोड़ी डेंजरस राइड हो, वो यार मुझे मिल गई आज फाइनली, बहुत ही अच्छी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। तो बाकी जो चीज़ें थी वो तो मुझे इतनी खास नहीं लगी, जो आज थी आपको मैंने साथ साथ बताता ही रहा कैसा क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, बट फिर भी अच्छा दिन था। तो अब कल जो मेरा दिन है वो है ढोक्रूज़ का, वो शाम को होना है,
तो कल तो मैं यहीं आसपास पहले शाम तक घूमूंगा लोकल में ही, क्योंकि फिर शॉपिंग भी करनी हुई थोड़ी बहुत, तो मैंने कहा ये ना हो, और उसके बाद मेरा टाइम भी नहीं है क्योंकि फिर मुझे उसके बाद निकलना भी है, मतलब अभी नहीं परसों, तो अभी और दिन है, उसके बाद निकलना है, लेकिन फिर भी टाइम नहीं बचेगा, तो इसलिए जो काम हो जाए निपटे बढ़िया। तो बस अब पहले मैंने सोचा यार पहले होटल जाऊँ, फिर मैंने कहा छोड़ो यार डिनर भी करना है, वही लास्ट में जो चाय पी थी और समोसा खाया था इससे पहले बीच में ब्रेक लिया था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ना चाय अच्छी थी ना समोसा अच्छा था, एक दिरहम का था मतलब 22-23 रुपए का, और एक दिरहम की चाय थी 22-23 रुपए की, बिल्कुल ही बेकार, मतलब इतना गंदा टेस्ट। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, अब मैं जा रहा हूँ डिनर करने, मैं पहले ही बहुत लिमिटेड चीज़ें खाता हूँ, अब वहाँ पे जो पसंद आया मेरे को आज सोच रहा हूँ दोबारा से गाली विलेट खा लूँ, तो फिर खाऊँगा फिर आके रेस्ट करूँगा, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा है, सुबह बहुत जल्दी का उठा हुआ, तो फिर रेस्ट भी करूँगा, एंड फिर अब चलते हैं यहाँ से डिनर करने, एंड अब इस ब्लॉग को इंसेंट करते हैं। ब्लॉग पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच आवर वीडियो, बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं डे 4 में दुबई में।